हेलो नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर काफ़ी फटकार लगाई है और उसने कहा है कि वैक्सीनेशन की नीति आपके पास क्या है। ये जो नीति है राज्यों को टीका खरीदने के लिए आपने कह दिया 18 से 44 साल को लेकर, कहीं ना कहीं ये मनमानी नीति है, इसमें कहीं कोई तर्क जो है वो नहीं दिखता है। हालांकि केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्लानिंग बनाए हैं, अभी तक कितने वैक्सीनेशन खरीदे गए हैं, कब ऑर्डर दिया गया है, कब भुगतान किया गया है, ये सब का डिटेल्स आप दें और अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कितना दिया गया है उसका भी डिटेल्स दिया जाए, कितना फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दिया गया, ये तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार को कहा कि आप हलफनामा दायर करें। इसके साथ राज्यों को भी अपने डिटेल्स उपलब्ध कराने को कहा गया है। आपको पता होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है सुनवाई कर रही है, लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सवाल पूछ रही है वैक्सीनेशन को लेकर। तो उसमें क्या कुछ और हुआ है, हालाँकि ये फैसला 31 मई को ही हुआ था लेकिन आज इसकी जो फैसले की जो ऑर्डर कॉपी हो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इस पर क्या कुछ और डिटेल्स दिया गया हम आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। इसलिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन को लेकर जो एक राज्य और केंद्र के बीच में टकराव चल रहा है, एक जो असमंजस की स्थिति बनी है उस पर कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद आम लोगों को भी राहत मिलेगी और एक टकराव की जो स्थिति है वो जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने केंद्र ने 45 से अधिक उम्र लोगों को मुफ्त में अगर टीका दिया लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को खरीदने के लिए कहा। ये तर्क के कसौटी पर जो तर्क है ये कसौटी जो है केंद्र सरकार की खरे नहीं उतर रही। आप किस आधार पर, इन्होंने कहा, कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन नीति पर अस्पष्टता देने के लिए कहा है कि साथ ही राज्यों से भी पूछा है कि क्या वह नागरिकों का मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप उनको भी कहा है कि आप भी स्पष्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर और रविंद्र भाट ने 31 मई को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए हैं। आज उस सुनवाई में लिखित आदेश जो कोर्ट पर जैसे हमने बताया कि आया है, उन्होंने कहा है कि उनमें से कितने प्रतिशत को अब तक टीका लग चुका है, पहली और दूसरी डोज पाने वाले लोगों की संख्या क्या है और कितना आपने कोविशील्ड खरीदा है, कितना आपने कोवैक्सीन और स्पुतनिक पाने वाले की संख्या क्या है, शहरी क्षेत्रों में आंकड़ा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या आंकड़ा है, ये सब चीज़ों उन्होंने कहा कि आप उपलब्ध कराइए। उसने सवाल भी पूछा है कि जब आपने 44 से ऊपर वालों के लिए मुफ्त में टीका दिया, 45 से ऊपर वालों को, तो फिर 18 से 44 वालों को राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया, इसमें क्या तर्क है, क्यों छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी जवाब मांगा है, केंद्र से कहा है कि वह इस बारे में बताए, जानकारी दे और उसने कहा है कि आपके पास इसको लेकर क्या नीति है, वैक्सीनेशन नीति पर भी आपके पास कोई एक क्यों नहीं है, लिखित दस्तावेज क्यों नहीं है। उसने कहा कि लिखित दस्तावेज आप फाइलिंग के साथ कोर्ट को सौंपे। तो ये सारा कुछ जो है वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है कि आप स्पष्ट करिए, इसलिए कि देश पूरा जो है वैक्सीनेशन की उम्मीद में एक तरह से आस लगाए बैठा हुआ है और इसमें अगर स्पष्टता नहीं होगी तो फिर कैसे वैक्सीनेशन का जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। देखते हैं केंद्र सरकार के इस फटकार, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद क्या कुछ जो है इस पर हलफनामा दायर होता है, क्या कुछ जवाब आता है, इसका इंतज़ार पूरे देश को है। तब तक आप सुशल संवाद को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर करें और अपनी राय भी दें और लाइक भी करें।